हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। एंड आज के वीडियो रिगार्डिंग कैसा रहेगा आपका करियर लाइफ इन जनरल, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मे मंथ 2021 कैसा रहेगा आपके लिए। सो यू नो, सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोज पोस्ट करूँ आपको उसकी जल्द से जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप इन डेली टैरो रीडिंग, वास्तु टिप्स, फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं रिगार्डिंग करियर, लव लाइफ एंड हेल्थ, सो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं नो टैरो रीडिंग्स एंड टिप्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। एंड यू नो, सभी पूछते हैं कि हम इस रीडिंग को कैसे फॉलो करें, क्या बेस हम रखें। सो आप चाहे अपनी नाम की राशि से, सन साइन, मून साइन, किसी के भी बेसिस से फॉलो कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स में हमेशा कहते हैं कि जो राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करें, सो आपके लिए बहुत ही अच्छा एंड आपको करेक्ट रीडिंग्स मिलती हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं। तो चलिए इसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। हेलो लियो, सो सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि नो आप कैसा फील कर रहे हो, क्या वाइब दिख रही है फॉर दी मे मंथ इन टर्म्स ऑफ करियर। सो यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड है ये बताता है कि नो चूज़ फ्रीडम, ओके। एंड ये कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है, मे बी आपको लग रहा है आप कहीं स्टक हो अपने काम में, आप मे बी अपने काम में फ्रीडम चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे मेरा काम चेंज करना चाहिए क्योंकि मे बी जो मुझे मनी मिल रहा है उसके एक्सचेंज में वो उतना डिजर्विंग नहीं है जितना आप डिजर्व करते हैं। सो मे बी आप कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हो बट आपको लग रहा है कि आप अभी स्टक हैं, आप ये चेंजेस नहीं कर पाओगे एंड यू फील आपको नहीं पता क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो आप बहुत सोच विचार में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या डिसीजन ले, सो दिस इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड आपको स्टक लग रहा है कि अब ज़िंदगी में कौन सा नेक्स्ट स्टेप लें जिससे मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ, ज़िंदगी में मैं कुछ अचीव कर पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ। तो क्या ऐसा करें भाई कि नो क्या ऐसी तिकड़म लगाएं जिससे हमारी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट, एक पॉजिटिविटी आ सके और हम ये स्टक एनर्जी से निकल सके। मे बी स्टक एनर्जी है कि जितना आप बिज़नेस में काम कर रहे हो, जॉब में काम कर रहे हो, आपको उस कंपनी में उतनी प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपके बिज़नेस में उतनी सक्सेस नहीं आ रही है, सो ऑफकोर्स उस वजह से आप परेशान हैं। यहाँ पर इनो आगे की एनर्जीज भी कुछ ऐसी दिखती है जहाँ पे इनो शिरोन के कार्ड्स हैं, ये कार्ड इंडिकेट करता है जहाँ पे दिस मंथ में आप खुद ही सोचेंगे, खुद ही इस सवाल का जवाब आप खुद ही इसका निकालेंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है। एंड मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपकी काबिलियत की कद्र नहीं हो रही है, आपको चेंजेस की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली गो फॉर दैट चेंजेस लियो इन दिस मंथ में, क्योंकि आगे के कार्ड्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं स्टक हो, आप उसमें से नहीं निकल सकते, लेकिन आप डेफिनेटली निकल सकते हो, आपको सिर्फ थोड़ी सी विल पावर एंड एनर्जी की ज़रूरत है। आप हिम्मत बनाएं, आप फिर से ढूंढें, आप फिर से कोशिश करें, फिर से नई शुरुआत करें, बट एक नेगेटिविटी में स्टक ना हो। अगर आपका दिल खुश नहीं है, आपको इन्जॉय नहीं हो रहा अपने काम में, तो पूरी कोशिश करें कि कुछ ऐसे चेंजेस लाएं जिससे आपको वो पॉजिटिविटी दिखे, या आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि चूज़ फ्रीडम, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि आप एक यू नो स्टक एनर्जी में मत रहो, आप अपना पीस, अपना फ्रीडम को ज़रूर ध्यान दें, चाहे आपको करियर का कोई भी पाथ हो, चाहे आपको कितनी बार भी चेंजेस करना पड़े, बट थिंक अबाउट इट, यू नो कि आपको क्या सोल हैप्पीनेस दे रहा है आपके काम में, उसको वो पाथ को फॉलो करें। फिर आगे हम देखते हैं कि मिड मंथ के बाद में कहीं ना कहीं 10th हाउस के कार्ड हैं जो कि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपकी मेहनत के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस दिख रही है, सोशल कनेक्शन अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आपको रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है एंड ग्रोथ भी आती हुई दिख रही है। सो आई थिंक अगर आप अपनी उम्मीद और पॉजिटिविटी बनाए रखें लियोस, तो मुझे आपके लिए आगे की एनर्जीज बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है नो आपकी अचीवमेंट्स, आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आपके स्किल्स हैं, वो अब दुनिया कदर करेगी उसकी, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब भी मिल सकता है, काम में प्रोग्रेस एंड कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जीज अपग्रेड होती हुई ज़रूर दिख रही हैं लियोस इन दिस मे मंथ में, मैं कहूँगी ऑलमोस्ट एंडिंग के अराउंड में या सेकेंड हाफ मे में। एक और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है द गार्डन करके कार्ड है, ये कार्ड बहुत ही स्पेशल कार्ड है। ये कार्ड आप कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेट करता है कि नो मे बी आप अपनी लाइफ में अगर कोई भी पार्टनरशिप में काम शुरू करना चाहते हैं, आपका कोई एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, मे बी आप एचआर हो, मे बी आप कोई इवेंट प्लानर हो, मे बी आप सोशल इवेंट्स करते हैं, मे बी आप पब्लिक स्पीकर हो, एनीथिंग, आप अपनी कंपनी में आप एक ऐसी लीडर पोजीशन पे जाना चाहते हो या ऑलरेडी हो, सो उस तरीके के कामों के लिए इस मंथ में बहुत अच्छी सक्सेस रहेगी। एंड साथ ही साथ में अगर कोई भी काम जहाँ पे आप जितना हो सके लोगों के साथ एडजस्ट करके कोऑपरेट करके काम करें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वैसे सीधा सीधा गार्डन का कार्ड एक और चीज़ इंडिकेट करता है, ग्रीनरी, ग्रोथ।
स्लो ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ ज़रूर है। सो मुझे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़े आप ज़्यादा सोचते हुए, डिसाइड करते हुए, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, एंड बाय द मिड ऑफ द मंथ के आसपास में आप वो डिसीजन ले भी लोगे, उसके एक्शंस भी ले लेंगे, ये भी मैं कहूँगी। सो ये जो हमारे 10th हाउस के कार्ड है ना, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये करियर का कार्ड माना जाता है सीधा सीधा, सक्सेसफुल करियर का कार्ड माना जाता है। ये एक्शन का कार्ड है। अगर इन एस्ट्रोलॉजी में ये हाउस एक्टिवेट हो जाए तो आप फिर घर नहीं बैठ सकते हो, आपने बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है एंड कर्म करने हैं पूरे के पूरे। तो चाहे फिर आपको वो पसंद आए ना आए, लेकिन फिर ऊपर वाले आपसे बड़ी मेहनत करवाते हैं। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं लियोज मुझे आपके। सो ऑफकोर्स आप मुझे बहुत हार्ड वर्क मेहनत करते हुए भी दिख रहे हो। अगर ऑनेस्टली आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऑनेस्टली लाइक, सो इट्स बेटर कि आप वो पर्सपेक्टिव को चेंज करो, सोचो समझो, प्लान करो एंड स्टार्ट कर लो कि भैया मुझे यहाँ पे परमानेंट नहीं रहना है। भले इस महीने में चेंजेस ना हो पाए, लेकिन प्लानिंग कर लो कि हम इसको चेंज करेंगे। बिकॉज आपने ये ध्यान देना, आप ज़िंदगी भर आपने कहीं पे भी स्टक नहीं रहना है, आपने रिस्क लेने हैं, आगे बढ़ना है, अपने लिए फ्रीडम ज़रूर चूज़ करना है आपने अपने लिए। तो ये आपके लिए सजेस्टेड है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है इन जनरल? जस्ट मीन्स दैट यू नो कि जहाँ पर आप अगर काम कर रहे हो, मनी अर्न कर रहे हो, सो आपको वो चीज़ में एटलीस्ट अगर प्रॉपरली आपको अगर 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट 50% तो मिले। चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने की तो कोशिश करें, उसका मतलब वो होता है एक्चुअली में। सो आई होप लियोज आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। मुझे मिड ऑफ द मे मंथ के बाद में एनर्जीज ग्रोइंग पॉजिटिव एंड अच्छी लग रही हैं। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू। सो यस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। थैंक यू सो मच।